हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? क्या नहीं हो? क्या बिल्कुल हो गया यार। तो दोस्तों, मेरा अगला ब्लॉग है अल्मोड़ा के बारे में, जो कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। थोड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा आपसे शहर में ले जाने से पहले। यार, मैं आपको एक अल्मोड़ा की जो फेमस, वर्ल्ड फेमस आप कह सकते हैं, विश्व प्रसिद्ध बाल मिठाई और सिंगौड़ी, जो कि यहाँ काफ़ी जानी जाती है, तो उसकी दुकान में मैं आपको ले जा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी दुकान है तो मेरे को इतना टाइम होता नहीं है। तो मैंने मंगाई है अपनी दुकान में बाल मिठाई, अभी आ गई होगी, तो मैं आपको अपनी दुकान में ही दिखा दूँगा बाल मिठाई और सिंगौड़ी। तो कभी आइएगा तो बाल मिठाई और सिंगौड़ी ज़रूर खाइएगा। तो दोस्तों, चले ले चलता हूँ मैं आपको बाल मिठाई की ओर, उसके बाद हम चलते हैं अल्मोड़ा शहर की ओर। चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था, बाल मिठाई की दुकान में आपको नहीं ले जा पाऊँगा यार, नहीं ले जा सका, उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि यार दुकान है मेरी, तो आप जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, तो मुझे इतना टाइम मिला नहीं। तो मैंने ऐसा किया कि खुद ही बाल मिठाई और सिंगाड़ी दोनों ही मंगा दी थी अपनी दुकान में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ बाल मिठाई और सिंगाड़ी के बारे में। हमारी बाल मिठाई उल्टी हो गई शायद, चलो आपको दिखा दें। खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला जी के वहाँ की मिठाई है, मैंने दोस्त से मंगवाई थी अपने, माल रोड में आपको इनकी दुकान मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये है हमारी सिंगाड़ी और ये है हमारी बाल मिठाई। शायद आपने सुना हो, अगर आप अल्मोड़ा आए हो, नहीं भी आए हो तो एक बार आइएगा, तो इसको चखिएगा ज़रूर। वैसे मैं अपनी राय बताऊं तो सच में बोलूं तो यार, मुझे बाल मिठाई उतनी ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है, पर जी सिंगौड़ी, सिंगौड़ी तो मेरी फेवरेट है यार। आप खाएंगे तो मेरे को लगता है कि आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, यही थी अल्मोड़ा की बाल मिठाई और सिंगौड़ी, मैं दिखा दूँ आपको एक बार और। तो दोस्तों, चलिए अब टाइम ज़ाया ना करते हुए आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा शहर की ओर। शुक्रिया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच गए हैं करबला, जो कि अल्मोड़ा का मुख्य द्वार माना जाता है शहर का, शहर की ओर। कभी आए तो घूमें जरूर अल्मोड़ा, नैनीताल तक तो आते ही हैं, तो उम्मीद करूंगा कि अल्मोड़ा भी आएंगे तो आपको पसंद आएगा, निराश होकर के यहाँ से आप जाएंगे नहीं। तो चलिए ले चलते हैं, अभी हम चल रहे हैं ब्रैकिंग, पहुँचने वाले ब्रैकिंग कॉर्नर। तो दोस्तों, ये है ब्रैकिंग कॉर्नर, जो कि पुराना नाम हुआ करता था, अब इसका नया नाम हो गया विवेकानंद कॉर्नर। तो आपको हम इस जगह को दिखा देते हैं। ये है ब्रैकिंग कॉर्नर का नज़ारा, जो कि शहर के ठीक शुरुआत होने से पहले आपको दिख जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ब्रैकिंग कॉर्नर अपने सनसेट के लिए बहुत जाना जाता है। लोग यहाँ शाम को आते हैं और सनसेट देख करके जाते हैं। जैसे कि मेरे मित्र मुंदू ने मुझसे कहा भी था कि एक शाम की वीडियो अगर आप डाल लेते ब्रैकिंग कॉर्नर की टाइमलैप्स पे तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो अगर समय मिला तो दोस्तों, हम आपको यहाँ का सनसेट ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने शहर अल्मोड़ा की ओर। क्या हो गया भाई? तो चलिए दोस्तों, ये हमारे दोस्त मुन्नू मयंक वर्मा। मुन्नू से हाय। शर्म आ रही यार। दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं माल रोड अल्मोड़ा, जो कि यहाँ की मेन रोड है। माल रोड, जैसे आप पहाड़ों में कहीं भी जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। मसूरी में भी है माल रोड, नैनीताल में भी है, शिमला में भी है। तो पहाड़ों का एक तरफ से रोडों का कॉपीराइट है माल रोड। तो दोस्तों, चलिए ले चलते हैं आपको अल्मोड़ा बाज़ार की ओर, जो कि थाना बाज़ार से शुरू होती है और ख़त्म मिलन चौक कह सकते हैं। नहीं।
ये हमारे पूर्व जिलाधिकारी के आदेशों द्वारा चित्र हाल फिलहाल में ही बनाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं केदारनाथ में ढोल नगाड़े बजाते हुए लोग बुजुर्ग। और ये बीते पुराने दिन फूल लई छम्मा दई की चित्रकारी आप देख सकते हैं। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अल्मोड़ा शहर में। जिंदगी सरल गांव में है, खरबूज में सफर, तुझको खबर अपने ख्वाबों को पूरा करने का सफर। तुरिया जान थी तेरा भाई, अब पहाड़ों की आवाज, थोड़ा वक्त लग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं अभी चौधरी चाय के भंडार। जो लोकल के होंगे वो तो समझ ही गए होंगे, जगह को पहचान गए होंगे। जो बाहर के हैं उनको मैं बता दूँ, ये गंगोला मोहल्ला में थाना बाजार से नीचे स्थित है। तो कभी आपका अल्मोड़ा आना हो तो यहाँ की चाट जरूर खाइएगा। और हमें मिल गई है हमारी बहन अंशु, जो कि टाइम पे पहुँचे। टाइम से आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इतने टाइम से कैसे आ गई आप? बस मतलब लड़कियाँ तो देर कर देती हैं ना। नहीं, हम टाइम पे बहुत पंक्चुअल हैं। ओके, तो देखिए ये यहाँ की है चाट। चाट के साथ मिलेगा आपको जलजीरे का पानी, जो कि होता है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट। तो आइएगा ज़रूर चौधरी चाट भंडार, गंगोला मोहल्ला, थाना बाजार। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूँगा। जब हम छोटे हुआ करते थे, 9th 10th में पढ़ा करते थे, तब हम यहाँ आया करते थे, तो इसी तरह से लोग अपना और अपनी प्रेमिका का नाम लिखा करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इन दीवारों में भी जो आप देख रहे हैं, जिनमें अब टाइल्स लग चुकी है, पहले यहाँ भी इस सारे नाम हुआ करते थे। तो अब समय के चलते चलते अंकल ने भी बदल दी है अपनी दुकान। तो फिर भी कुछ याद के तौर पर अंकल ने इसको रहने दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से निकलते हैं, अब आपको ले चलते हैं अपनी एक और बचपन की दुकान में। तो चलिए, ये है हमारे राकेश दा आए, इनके वहाँ बचपन में वीडियो गेम खेला आना करते थे। तो देखिए, दिखाते हैं आपको अपनी बचपन की यादें। अब तो बंद हो चुका है, अब लोग तो मोबाइल में गेम खेलते हैं। तो ये रहा राकेश दा का वीडियो गेम पार्लर, अंदर भी था। तो अब तो सब बच्चे मोबाइल वाले हो गए हैं। तो यही है हमारी बचपन की यादें, यहीं बैठ के हम WWE, ट्रक फोर्ट, मारियो, कॉन्ट्रा, सोनिक, बहुत सारे गेम खेला करते थे। वक्त के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, सही कहते हैं। वगैरह किसका धन्यवाद आपका, मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको अल्मोड़ा बाजार की ओर। तो आपको दिखाएंगे भाई का घर। और कुंदनदा, ये हमारे कुंदनदा हैं, इनसे मिली है, इनकी दुकान है। कभी यहाँ आएंगे तो कुछ सामान जरूर लीजिएगा, है। ये थोड़ी व्लॉग बना रहा हूँ मैं, मिलते हैं फिर। तो दोस्तों, ये है अमन की दुकान और ये है अमन का घर। हेलो अमन। दोस्तों, ये है जलेबी की दुकान, टेढ़ी बाजार में। आप किसी से पूछ लीजिएगा जलेबी वाले की दुकान, तो कोई भी बता देगा, काफ़ी फेमस है यहाँ की जलेबी। तो खाइएगा ज़रूर जब भी आपको अल्मोड़ा आने का मौका मिले। दोस्तों, अभी हम पहुँचे हैं कारखाना बाज़ार में, देख सकते हैं आप अल्मोड़ा की बाज़ार।
में लाला बाजार पहुंचने वाले के हैं, पहुंच ही गए हैं, शुरू हो चुकी है लाला बाजार। नाम तो आपने सुना ही होगा, बताने की ज़रूरत है नहीं। तो आइए आपको आज दिखा भी देते हैं कि कहाँ है लाला बाजार, क्या है लाला बाजार। दोस्तों यही है हमारी अल्मोड़ा की लाला बाजार। सॉरी थोड़ी गला ख़राब है। ये कन्हैया लाल स्वीट्स हैं यहाँ के, कभी आइएगा तो यहाँ की रसमलाई ज़रूर खाइएगा, बहुत पसंद है मुझे। सही बोल रही है, पर ये बनाते भी अच्छी है ना, तो इसलिए और ज़्यादा पसंद है। चलिए दोस्तों, यही है अल्मोड़ा की लाला बाज़ार। ये लाला जोगा शाह जी की दुकान है, यहाँ पे आइएगा मिष्ठान खरीदने। हमारे मित्र की दुकान है, अभी इतना समय है नहीं कि हम उनसे मिल पाए, तो बाद में परिचय करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से एक रास्ता जाता है नंदा देवी मंदिर को माँ, और दूसरा रास्ता जाता है नीचे मिलन चौक को। तो आपको ले चलते हैं मिलन चौक को, जो कि अल्मोड़ा का मीटिंग पॉइंट माना जाता है। मीटिंग पॉइंट इसलिए कि किसी को मिलना होता है तो कोई एक पर्टिकुलर जगह किसी को बोलनी होती है, तो बता देते हैं कि चलो यार मिलन चौक में मिल जाना, तो आसान रहता है कि चलो वही मिलन चौक में मिलना है। तो उस जगह का नाम भी मिलन चौक रख दिया है इसी आधार पे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मिलन चौक अल्मोड़ा। लोकल के लोगों को तो पता ही होगा कि मिलन चौक कहाँ है, तो बताने की ज़रूरत है नहीं। यह है हमारा मिलन चौक अल्मोड़ा। यहाँ से एक रास्ता ये ऊपर को जा रहा है, जो यहाँ से विशाल मेगा हमारा पिक्चर हॉल और मेरी दुकान को भी यहीं से रास्ता जाता है। और ये है नीचे मिलन चौक, यहाँ से एक नीचे को रास्ता जाता है फिगर किराए की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आपको मिलेंगे अल्मोड़ा की जानी मानी नामी हस्ती, जिनका नाम है ममूदा, और ये रहे हमारे ममूदा। हेलो ममूदा, तो कैसे हैं आप लोग, सही हैं? दोस्तों ममूदा अपने पान के लिए जाने जाते हैं, कभी आप अल्मोड़ा आएंगे तो ममूदा का पान ज़रूर खाइएगा। ममूदा एक पान बना दो, खाएगी पान, दो पान मीठे बना दो, कभी आप अल्मोड़ा आए तो ममूदा का पान ज़रूर खाइएगा। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ मिलन चौक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बता दूँगा मिलन चौक अल्मोड़ा किसी से पूछ लीजिएगा। वैसे ममूदा का नाम ही काफ़ी है, आपको एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा ममूदा की दुकान कहाँ है तो कोई भी बता देगा। तो चलिए खाते हैं ममूदा का पान। ये था ममूदा का पान, कभी आएंगे तो ज़रूर खाइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं माँ नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। जिंदगी सरल गांव में है, घर मुझ में सफर, तुझको खबर, अपने ख्वाबों को पूरा करने का सफर। हम पहुंच गए हैं माँ नैना देवी मंदिर, देख सकते हैं आप। जैसा मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा, यह है नंदा देवी टेम्पल अल्मोड़ा। तो चलिए ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों यह है माँ नंदा देवी का मंदिर अल्मोड़ा का। दोस्तों मैं मंदिर के अंदर आपको ले जा नहीं सकता, क्षमा चाहूँगा कि जा नहीं सकता, इसलिए बाहर से ही आपको दर्शन करा देता हूँ। अंदर मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि रिलेशन में किसी की डेथ हो गई है, तो आप समझ सकते हैं मैं क्यों नहीं जा सकता अंदर। तो इसलिए मैं आपको बाहर से ही माँ नंदा देवी अल्मोड़ा के दर्शन करा दे रहा हूँ। जय माता दी। तो आइए दोस्तों, अल्मोड़ा का नंदा देवी मंदिर सन 16वीं शताब्दी में चंद राजाओं ने बनाया था। यहाँ रामलीला भी होती है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं
मेरे सामने ये रामलीला का स्टेज है, यहाँ हर साल रामलीला होती है। और सबसे एक ज़रूरी बात बताना मैं आपको भूल गया, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नंदा देवी के मेले की तैयारी हो रही है जो कि हर साल होता है। अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला आपको मैं समझता नहीं कि बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना विख्यात तो वो है। तो ये रहा माँ नंदा देवी का प्रांगण, यहाँ की हर साल अगस्त से सितंबर के बीच में माँ नंदा देवी का मेला धूमधाम से मनाया जाता है, काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं। दोस्तों यहाँ झूले लगा करते हैं, तो इस बार शायद कोरोना की वजह से मुश्किल है झूले लगना। तो ये रहा माँ नंदा देवी का प्रांगण, जय माता दी। अब आ गया आप दे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब तो ठीक है भाई। तो अभी हम चल रहे हैं अल्मोड़ा शहर की ओर, दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं, चलो ब्रेक के बाद, बाय बाय। पकड़ में